दोस्तों चॉकलेट नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि यह होता ही इतना टेस्टी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किस फल के बीज से बनाया जाता है, या फिर क्या आपको पता है कि अगर हम ज्यादा चॉकलेट खा ले तो क्या होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम चॉकलेट से रिलेटेड 5 मजेदार फैक्ट्स जानने वाले हैं। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चॉकलेट खाता है तो इससे उस व्यक्ति का नपुंसक बनने का भी खतरा होता है, इसलिए दोस्तों चॉकलेट को लिमिट में ही खाएं। क्या आपको पता है कि चॉकलेट को कोकोआ नाम के पेड़ के बीजों से बनाया जाता है। दोस्तों इसके बीज का स्वाद कड़वा होता है जिसे चॉकलेट बनाते समय कड़वेपन को दूर करके स्वादिष्ट बना दिया जाता है। दोस्तों जब कोकोआ का पेड़ 4 से 5 साल का हो जाता है तो वह फल देना शुरू कर देता है। दोस्तों एक कोकोआ का वृक्ष सालाना लगभग 2500 बीजों का उत्पादन करता है। दोस्तों चॉकलेट को काफी फायदेमंद माना जाता है। इसे खाने से डिप्रेशन कम होता है, चेहरे की झुर्रियां कम हो जाती है, मोटापा भी कम होता है, साथ ही साथ इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। इतना ही नहीं चॉकलेट में मौजूद फ्लेवेनॉल्स ब्लड क्लॉटिंग यानी खून को जमने से भी रोकता है जिसके कारण हमारे शरीर में खून का सर्कुलेशन सही रहता है। दोस्तों अगर आप चॉकलेट को लिमिट में खाओ तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अगर आप इसे हद से ज्यादा खाना शुरू कर दोगे तो इससे आपको कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे जल्दी नींद ना आना, ब्लड प्रेशर की समस्या, किडनी स्टोन, माइग्रेन, ब्लड शुगर जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों चॉकलेट को लिमिट में ही खाएं। और हाँ, अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर से बिना सलाह लिए चॉकलेट ना खाएं।